किसी काम की तारीख का अनुभव बन जाए वो से तालियां बजाइए ऊपर आप जीते हैं। अरे लारा लारा था इधर खाली कर दो लारे जाओ रे आठ लालू लाल जी छकारी जादू हो यहाँ पर हमें भाई आज सब हुआ करते भोकण विधानसभा रा एएससी द्वारा घोषित प्रत्याशी सामी मामन जी साहब रे नामांकन भरने ने ब्रजोड़ा सम्मान एएससी सचिव और अपने फेलेरा चौधरी साहब और आपने हैंगवराई लाडला पेलेरा विधायक प्रत्याशी जैसलमेर जिले का कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद जी भाई बाबू गोर्धन जी खंडा साहब साकड़ा अमेतला सम्मान के परिवार में आया है कुंवरो बहुत लगभग 5 वर्ष पहले लोगों कांग्रेस को कोई जादूगर है जिनको श्याम सिंह दीदी सिखा है जहाँ एक सिर्फ जैसलमेर टोकन नहीं पूरे राजस्थान में लोग थोड़ा हीरो हागोड़े पागोड़े जुड़ाए मन दिया पचे 12 महीने तो काटा रहे पर एक अपने कांग्रेस परिवार जो लोग था वो तो गया ही गया वास्तव में पछताव हुआ पर बीते है उन्होंने भी बहुत पछताव हुआ और जगह जगह और ढाणे मेरी बड़े कह ना रखिए अगर कह रहा हूं मुझे नहीं हमें तो दुनिया के भर को आने बैठा हूं दुनिया का मेरे बाप राजा पर गुण बहुत दोनों है कई साथ पीएम ने पढ़े का की हाल है साले मोदी साहब जी के हम एमएलए था 2008 पढ़े की योजना की इंडिया थोड़ा की तरह देता तो मेरे लिए धक्का देगा मैं तो एक कुर्ता बैठा हूँ पर जिके जमा आप बैठा आज पंडाल में या मंच माता आपको देखा तो वह लोग जो को हिंदू इलाका होता है आज मना बड़ी खुशी है ये मनवास है और पंडाल में लगभग ये को चले को बारी बारी में कई बार की हो चले की बात कर रहा चार तारीख में वोट पड़ी इतनी दिन बाकी है तो हमें उगने ही चलना पड़ता है तो मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ कि हम वहाँ पे जितना भी हमने कोकरा विधानसभा रहा वोट है वहां ना कोशिश करो अपने हर आदमी अपने ग्राम पंचायत में महीना एक ग्राम पंचायत में महीना एवरे 2500 है आज हम वोट में कहना घड़ा है कहना थोड़ा है तो 2500 वोट है मैं कोशिश करो कि हाँ तो यहाँ पर लेना है लोग कह रहे पेड़ के न्याय ग्राम पंचायत में 70-75 वोट है हमने हर ही बात कर लिया क्या पेड़ के कई जगह में आऊंगी आप एक करोगे हमारी ग्राम पंचायत में महीना क्या और 2500 वोट है कोशिश करो पूरा पूरा लेना मैं खुद जैसा मैं विधानसभा असेसमेंट कियो एक ग्राम पंचायत जरूरी नहीं है जिके मैंने कांग्रेस का 50% कम आया है एक नहीं और कई ग्राम पंचायत जिके 100% है कांग्रेस का नाम निशान करो पर वो पूरा बात है अपन हाथ है जो कहिए तो हरी जी चौधरी साहब रह पर कई छोड़ दी के लोग आते हैं वो कई कई थके थे लोग काम भी हुए ना फायदे आया आप तो आपने बोला सुना जो कोशिश कर घर रखो आज कोकन माँ मानो कार्य में खोलन है ये गोता दवा ये तो कोकन वाला तो है और आपने कहा है बोर्ड दे तो ना पे देखे पड़े तो अपनी ग्राम पंचायत ग्राम सब्जी रहा तीन दिन का सबसे बड़ा जो ड्यूटी दे अपनी ग्राम पंचायत में
पहले तो आपने आवाज करना बोलता नहीं था ना आपको आपके ग्राम के अंदर से आपको है वो ना 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 और इना मंजर पाची हुए सुबह जितने टाइम ओपन हुए और शाम में बंद हुए जितने दोस्त बैठा रहो मैं आपना जितना आप लोग आया हो अगर एक जनों दस दस बोर्ड का कबाड़े में आदमी भीड़ ना देखा दस पंद्रह बोर्ड में ले अच्छा किया इस पावन धरा पर सबसे पहले तो बाबा रामदेव जी को नमन करता हूँ और इसके बाद पोखरण की जनता को नमन करता हूँ पोखरण की जनता को नमन तमाम देश की ताकत इस देश के नागरिकों को दी संविधान बना संविधान के अंदर भी तमाम ताकत जब नागरिकों दी गई तो तमाम नागरिकों को समान अधिकार दिया गया और कांग्रेस पार्टी की भी सोच यही है कांग्रेस की जनता के ऊपर बिना धर्म बिना जाति बिना भाषा क्षेत्र के सभी का अधिकार है ये कांग्रेस की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में फर्क क्या है कांग्रेस के अंदर सोच है कि सबको साथ में लेकर चलना सबके आपस में विश्वास कैसे बढ़े ये कांग्रेस की सोच है ये कांग्रेस की कार्य प्रणाली और भारतीय जनता पार्टी के अंदर की आपस के अंदर विवाद कैसे करें और बहुमत को कैसे साथ में लेकर चले ये भारतीय जनता पार्टी की सोच मेरा आपसे लोगों से ये निवेदन है कि हम लोग कोई भी फैसला लेते हैं तो फैसला तोड़कर हम लोग लेते हैं पोखरण के लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप जो भी फैसला लो 7 तारीख को वो तोल कर ले बातें बहुत होगी भावनाएं बहुत होगी उन बातों और भावनाओं को आप सोच और काम से जरूर तोलना मैं उदाहरण देना चाहता हूं आप लोगों को बातों के अंदर गौ माता की जय हम लोगों ने बहुत सुनी गाय के नाम पर राजनीति करते हुए भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा आप तुलना करना भारतीय जनता पार्टी का पिछले 5 साल का शासन जिसको उन्होंने मुंह से गौ माता की जय बोली उसको उन्होंने आकाश के समय के अंदर कितने खुशी शिविर और खुशी बिठो अगर कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त कांग्रेस की सरकार के अंदर पशु रिपोर्ट पशु छिड़े ये क्या व्यवस्था अगर कांग्रेस की सरकार के अंदर गाय की सेवा के लिए पशु छिड़े और पशु रिपोर्ट के माध्यम से गायों के लिए काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ज्यादा हुआ तो ये पैमाना आप रखना 7 तारीख को बोल देते गरीब की बात करना बहुत आसान है जब फैसला होता है उस वक्त गरीब के लिए कौन फैसला करता है मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि उसका जरूर आप तुलना करना बड़े लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनाज कितना मिले और कितने कीमत का मिले पर गरीब के लिए वो 1 रुपए किलो का अनाज और तमाम गरीबों को मिलना कांग्रेस के समय और साले मोहम्मद के हमले के कार्यकाल में सही था या वो 1 रुपए किलो का अनाज 2 रुपए किलो के अंदर होकर और गरीब लोगों की संख्या के अंदर कटौती सही थी मेरा आप लोगों से निवेदन है।